डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सीरीज में आज हम नॉन फाइनाइट का ट्रांसलेशन आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नॉन फाइनाइट में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम नॉन फाइनाइट के क्रम में आज हम देखेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि फ्रेंड्स प्रतिदिन का आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए फिर देखते हैं। जैसे कि इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाह रहा हूँ नॉन फाइनाइट, ये जो नॉन फाइनाइट होता है वो तीन प्रकार का, इन्फिनिटिव, अजरेंट और पार्टिसिपल। फ्रेंड्स, आज हम इन्फिनिटी पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इन्फिनिटिव को समझते कैसे, जैसे कि वर्ब के बेस फॉर्म में हम वर्ब के बेस फॉर्म के पहले हम अगर टू लगा देते तो आपका इन्फिनिटिव का निर्माण हो जाता है। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है वर्ब के बेस फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, बात सही है, और इसमें वर्ब के पहले साधारणतया हम टू लगाकर हम इन्फिनिटिव बना देते हैं। जैसे कि इन्फिनिटिव का प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है, जैसे कि आपको मैं जब बताया था इन्फिनिटिव, जब पढ़ाया था नॉन फाइनाइट का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसमें मैं बताया था आपको इन्फिनिटिव का जो सेंटेंस में जो एक्ट जो था, वर्ब था, कैसे था, वैसे हम ट्रांसलेशन के भी माध्यम से आपको बताऊंगा यहाँ पर। जैसे कि पहला जो है, जैसे कि आप जानते हो जैसे कि इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव का यूज हम सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जैसे कि यहाँ लिखा है सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात सब्जेक्ट, जैसे कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। इन्फिनिटिव का यूज हम किसी सेंटेंस में एज ए वर्ब सब्जेक्ट टू अ वर्ब, मतलब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी हम करते हैं। आइए मैं ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको समझाता हूँ। जैसे कि लिखा है हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बात सच भी है, हंसना जो होता है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, तो इसको हम बनाएंगे इन्फिनिटिव का यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फिनिटिव करते क्या है, सबसे पहले हम सेंटेंस के जो वर्ब होता है उस पर हम ध्यान देते हैं, उस वर्ब को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने से पहले, उसके पहले हम टू लगा देते हैं। जैसे कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं टू लव इज गुड फॉर हेल्थ। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि टू लव ये जो चीज है आपका इन्फिनिटिव है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो चीज देख रहे हैं वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। तो आप यहाँ पर जैसे कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप बना सकते हैं ट्रांसलेट टू लव इज गुड फॉर हेल्थ। आइए फिर दूसरा सेंटेंस है, झूठ बोलना बुरी बात है, बात सच भी है, जैसे कि झूठ बोलना क्या होता है, बुरी बात होता है, तो आप झूठ बोलने का पहले हिंदी इंग्लिश लिख ले टू टेल अ लाई, जैसे कि झूठ बोलना क्या है, बुरी बात है, इज अ बैड हैबिट। फ्रेंड्स, यहां पर बात लिखा तो यहां पर मैटर नहीं लिख देंगे, आपका वो फॉल्ट हो जाएगा। जैसे कि झूठ बोलना बुरी बात है, आप देख रहे होंगे टू टेल अ लाई, जो ये जो चीज है आपका क्या इन्फिनिटिव मूड में है, और जैसे कि टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, ये चीज होता है, और ये जो आपका वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में हुआ। आइए फिर सेकेंड, जैसे कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, अब इन्फिनिटिव का यूज हम एज ए ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में करते हैं, और वो वर्ब जो होता है वो जनरली क्या होता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, वहां से आप स्टडी करते रहें। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि लिखा है मेरा भाई यहाँ रहना नहीं चाहता है। फ्रेंड्स, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मेरा भाई यहाँ रहना नहीं चाहता है, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हमें करना क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं माय ब्रदर। अब चूंकि अगर हम बात करें सेंटेंस को, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, माय ब्रदर डज नॉट, आप क्या कर लेंगे, माय ब्रदर डज नॉट वांट टू लिव कहा भाई, हियर यहाँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर टू लिव जो है आपका इन्फिनिटिव है, तो देखिए कैसे यूज हुआ है, यहाँ पर
जो आपका ये जो मेन वर्ब है, जैसे कि माई ब्रदर डज नॉट वॉन्ट टू लिव हियर, ये जो आपका मेन वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव का यूज हुआ। आइए फिर, जैसे कि हर आदमी मरने से डरता है, बात सच है, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, जैसे कि हर आदमी, तो आप कैसे यूज करेंगे इसको, एवरी एवरी मैन, या आप एवरी वन भी लिख सकते हैं, एवरी वन, आप एवरी वन का इस्तेमाल करें तो और बेहतर है, एवरी वन मरने से डरता है, तो फियर्स, आप डरना का होता है फियर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एवरी वन फियर्स टू डाई। फ्रेंड्स आप यहां देख रहे, ये जो मेन वर्ब है ये आपका मेन वर्ब है, और ये जो चीज है आपका क्या इन्फिनिटिव है, यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव का यूज एज ए ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आइए फिर नेक्स्ट की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, इट्स मीन ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट, हम यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, वह जाने को है, इसको हम इसे यूज करेंगे, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने को है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज है, यहाँ इन्फिनिटिव का जो यूज हुआ है वह कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, ये वर्ब जो है इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। फ्रेंड्स अभी आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जैसे कि अभी आपको स्टडी करना होगा, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो फ्रेंड्स वो मैं जल्दी ला रहा हूँ वीडियो आपके सामने। फिर आगे देखते हैं, सीता विद्यालय जाने वाली थी, तो यहाँ पर देखेंगे वाला था वाली थी, अगर वर्ड अगर सेंटेंस में अगर आता हो तो उसमें हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, जब किसी वाक्य के अंत में को है, फ्रेंड्स जैसे कि को है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक वर्ड है, जैसे कि को था, जैसे इसका मतलब है, जैसे कि वह जाने को था, पास्ट में रहता, वह जाने को था, तब उस सिचुएशन में हम इस को हम बदल देते वॉज में, जैसे कि ही वॉज अबाउट टू गो, वह जाने को था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में को है, को था, जैसे कि ने को है, ने को था, जैसे कि ना वाले हैं, ना वाली थी, ये सब एक्सेट्रा अगर वर्ड्स आए हों, तो हम टू बी वर्ब इस एम आर वर्ड्स के बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इस एम आर जो चीज है इसके बाद ही हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। जैसे कि सीता विद्यालय जाने वाली थी, तो आप ऐसे कैसे करेंगे, सीता वॉज अबाउट टू गो टू स्कूल, सीता स्कूल जाने को थी या जाने वाली थी। अब यहाँ देखिए, मुझे यहाँ आना पड़ता है, फ्रेंड्स थोड़ा सा ये आप थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ती है, जो शब्द आता है इसमें हम हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ आना पड़ता है, तो आई हैव टू कम हियर, इट्स मीन मुझे यहाँ आना पड़ता है। ये सेंटेंस मतलब लग रहा है कि जैसे कि इसमें कोई फोर्स की बात है कि मुझे यहाँ आना पड़ता है, मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे करके ये सेंटेंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और अच्छे सेंटेंस, ये अच्छे सेंटेंस हैं। आइए फिर देखते हैं, यहाँ लिखा है उसे वहाँ नहीं जाना पड़ा, तो आप कैसे यूज करेंगे, ही पढ़ा, देखिए सेंटेंस ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में, He did not have to go there. इसका मतलब ये हुआ, उसे वहां नहीं जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये आप चीज जो देख रहे होंगे did not है, इसके बाद have का मैंने इस्तेमाल किया। फिर आपको आज ही यह काम करना होगा, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा फ्यूचर जैसा लग रहा है सेंटेंस, तो will have का इस्तेमाल करेंगे, आपको आज ही यह काम करना होगा, you will have to do this work today, आज की बात है today। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि you will have to का प्रयोग करेंगे, यहाँ आप देखिए to do जो वर्ड है आपका इन्फिनिटिव है, इसमें आपने देखा था अभी टू गो इन्फिनिटिव है, जैसे कि टू कम ये आपका क्या इन्फिनिटिव है, जैसे कि टू गो आपका क्या है इन्फिनिटिव है, और इनका यूज सब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ। यहाँ पर ये जो चीज है आपका इन्फिनिटिव का यूज यहाँ पर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। तो फ्रेंड्स
आई होप आपको समझ में आओ। चलिए आगे देखते हैं फिर। एडजेक्टिव के रूप में कभी कभी हम इन्फिनिटिव का यूज एज एडजेक्टिव की तरह करते हैं, वह कैसे है? जैसे कि उसके पास जाने के लिए पैसा है, इसको बनाएंगे कैसे? He has money to go. इट्स मीन उसके पास जाने के लिए पैसा है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका इन्फिनिटिव का जो यूज है आपका एज एन एडजेक्टिव की तरह हुआ है। फ्रेंड्स जैसे कि मोहन के पास रहने के लिए घर नहीं है तो कैसे आप यूज करेंगे? मोहन हैज या आप थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड तरीके से बनाइए, जैसे कि मोहन डज नॉट हैव अ हाउस टू लिव। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, मोहन के पास रहने के लिए घर नहीं है तो मोहन डू नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन। मतलब यहाँ इन का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया, थोड़ा समझेंगे इन का इस्तेमाल, थोड़ा सा समझेंगे भाव यहाँ पर। जैसे कह रहा है मोहन के पास रहने के लिए घर नहीं है तो घर में ही कोई रहता है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया। और ये सब के जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन्फिनिटिव का वो है इन्फिनिटिव, और ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी थी तो आई हैड अ चेयर, इसका अर्थ हुआ मेरे पास कुर्सी थी। लेकिन किस लिए थी ये देखिए यहाँ पर टू सीट, और कुर्सी पर हम चूंकि बैठते हैं ऑन लगा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो टू आप देख रहे हो एज एन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज हुआ। आइए फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन के रूप में हम कैसे हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट में बनाया उसको समझे आप। जब वाक्य के अंत में ना ही वाला है या ना ही वाली थी, था या थी, ने ही वाला है, वाले हैं, जो भी ने ही वाले थे, जैसे अगर वाक्य में वर्ड्स आए हों तो हम क्या करेंगे? अबाउट प्लस इन्फिनिटिव टू का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह आने ही वाला है तो आप ऐसे यूज करेंगे ही वॉज अबाउट यहाँ पर चूंकि है तो आप घबराएंगे नहीं, he is about to come, फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ही इज अबाउट टू कम, जैसे कि यहां देखिए थोड़ा संदेह समझना होगा, बुढ़ा व्यक्ति मरने ही वाला है या मृत्यु के निकट था, मतलब अपने मृत्यु के निकट था, तो ऐसे बनाएंगे जैसे बुढ़ा व्यक्ति मरने वाला है तो लिख देंगे the old man is about to die, वह जो बुढ़ा व्यक्ति है वह मरने वाला है। जैसे यहाँ कहने का मेरे मतलब ये है ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक शब्द है अबाउट, ये आपका क्या है? प्रेपोजिशन है, ये आपका है प्रेपोजिशन है। और यहाँ पर जो आपका इन्फिनिटिव का यूज हुआ है ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। देखिए ये प्रेपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर क्या किया? इन्फिनिटिव का यूज किया। अब यहाँ थोड़ा सेंटेंस बहुत ही अलग सेंटेंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस है, जिसकी मैं इज्जत पाने के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता हूँ। फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे, मैं इज्जत पाने के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता हूँ तो आई वॉन्ट नथिंग बट का प्रयोग कर दीजिए। आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता, थोड़ा सा इसका अलग व्यू में अगर देखे अर्थ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ बट लेकिन टू गेट रेस्पेक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे कि आई वॉन्ट नथिंग बट टू गेट रेस्पेक्ट, ये जो टू गेट रेस्पेक्ट है आपका क्या है? ये आपका इन्फिनिटिव है, इसका यूज बहुत स्पेशल तरीके से किया गया, मैं इज्जत पाने के लिए के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता हूं तो आई वॉन्ट नथिंग बट टू गेट रेस्पेक्ट, अच्छा सेंटेंस था। अब आगे थोड़ा सा समझेंगे, जैसे कि एडवर्ब के रूप में भी हम
इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में एडवर्ब जो होता है वो आपका रीजन या कोई पर्पस बताएगा। रीजन बोले तो आपका कारण बताएगा, और या पर्पस बोले तो आपका उद्देश्य बताएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि वह अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, वह अंग्रेजी सीखने के लिए क्या उत्सुक है, तो लिख सकते हैं ही इज ईगर। ईगर मतलब होता है इच्छुक। ही इज ईगर टू लर्न इंग्लिश। ही इज ईगर टू लर्न इंग्लिश मतलब वह अंग्रेजी सीखने के लिए क्या उत्सुक है। फ्रेंड्स आप यहाँ जो देख रहे होंगे इन्फिनिटिव का यूज एज यहाँ पर एडवर्ब के रूप में हुआ है। अब आगे देखिए, हम लोग जीने के लिए खाते हैं, तो वी ईट टू लिव। यहाँ पर जो आप ये जो देख रहे होंगे ये आपका एडवर्ब के रूप में हुआ है, वी ईट टू लिव। ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही अलग है। जैसे कि हम लोग जीने के लिए खाते हैं तो वी ईट टू लिव। मैं चलने में बहुत कमजोर हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है बहुत ही स्पेशल तरीके से आप करेंगे। ये तो कंप्लीट किया मैं। जैसे कि मैं चलने में बहुत कमजोर हूं, तो आई एम इसको बनाएंगे आई एम टू वीक टू वॉक। फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे, यहां पर हमने इन्फिनिटिव का यूज किया है एज ए एडवर्ब की तरह, हमने इस्तेमाल किया आई एम टू वीक टू, चूंकि अगर हम बात करें तो एडवर्ब है भी, टू वीक टू वॉक इसका अर्थ एक व्यू से और भी होता है, मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आइए फिर, वह प्रश्न पूछने के लिए, देखिए यहाँ पर उसका कारण था, वह प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ, तो ही स्टूड अप। वह मतलब खड़ा हुआ, क्या करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, मतलब प्रश्न पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन मतलब वह प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ। आइए फिर, अब आपका जो लास्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे देखिए, उसने मुझे जाने के लिए मजबूर किया, तो मजबूर करने का इंग्लिश होता है कंपेल्ड। ही कंपेल्ड मी टू गो। जैसे कि वह मुझे जाने के लिए मजबूर किया, मी टू गो। जैसे कि और भी सेंटेंस देखे, उसने मुझे आते हुए देखा, तो ही सॉ मी कम। यहाँ पर फ्रेंड्स टू कम नहीं लगाएंगे, जैसे कि अभी मैं इसके नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो बहुत ही अलग वीडियो होगा, और वह इन्फिनिटिव का जो कॉमन एरर जो उसमें कुछ आ जाता है वो चीज मैं बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा ये कि हम कब किसके साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, किन वर्ब्स के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, किन एडजेक्टिव्स के साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, किस आपका एडजेक्टिव या वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव या उनके साथ इन्फिनिटिव या उनके पहले या बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते, वो वीडियो आएगा। जैसे कि आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, ही सॉ मी कम या कमिंग भी आप कर सकते हैं, आपका ये भी सही है। तो चूंकि ये जेरंड का रूप लेगा, अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा जेरंड भी आएगा आपके सामने। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, ऐसे सेंटेंस तो आप लेट से इस्तेमाल करेंगे। लेट मी बोलने का क्या होता है, स्पीक हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स, दैट्स ऑल।